वांगी बात बनाने की विधि। इसके लिए पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो आप एक पैन रखें गर्म होने के लिए। अब इसमें डालें साबुत लाल मिर्च, सूखा खोपरा और इसे हल्का हल्का भूनें। देखिए इसका रंग अब सुनहरा हो रहा है। इसमें अब आप डालें काली मिर्च, धनिया के दाने, तिल और खसखस और इन्हें मिलाएं करीब 2 मिनट तक। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। जब यह मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें, लेकिन सूखा। अब दोबारा अपना चूल्हा चालू कर लें और इसमें आप डालें घी, काजू, सूखी लाल मिर्च, राई और इसे मिलाते रहें। इसके बाद आप दोबारा इसमें डालें जीरा, उड़द दाल, चुटकी भर हींग, चीरे हुए हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और कटे हुए बैंगन। अब इन सबको अच्छे से मिलाएं। और आप डालें इसमें थोड़ा सा नमक और मिलाकर इसमें डालें पीसा हुआ सूखा मसाला। बैंगन पकने तक आप इन्हें मिलाते रहें। इसके बाद आप इसमें नींबू का रस निचोड़ें। अब बारीक कटा हरा धनिया डालें। इसके बाद उबले हुए चावल या भात डालकर इसे अच्छे से टॉस कर लें। देखिए इस तरह। तैयार वांगी भात को आप गर्मा गर्म यूं ही बिना किसी भी साइड डिश के खा सकते हैं।